मस्ती का कश्ती हिंदी भाषा कौन वाला। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं दुबई और देख सकते हैं यहां का शानदार सा व्यू। आप लोग देख सकते हैं मन को छू जाने जैसे, कभी लाइफ में सोचा नहीं था दोस्तों कभी ऐसे जगह में भी आने का मौका मिलेगा। सो आप लोग भी कभी ऐसे जगह हो आइए और आनंद उठाइए लाइफ का। तो क्या लगता है आप सबों को, मैं दुबई में हूँ? नहीं दोस्तों, मैं भारत का एक छोटा सा शहर गोवा में ही हूँ और गोवा में देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना शानदार व्यू, कितना अच्छा डेवलपमेंट। हमारा इंडिया बाहर कंट्री से भी कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देखिए और इंजॉय कीजिए। दुकान में अब हम लोग आए हैं जूता लेने के लिए और जूता देखते हैं। ये देखिए काफ़ी सारा जूता का यहाँ पे बहुत बड़ा शॉप है देख सकते हैं। और देखो भाई, हमारा दुकान है, हमारा जूता है, ये आए हैं भाई साहब लेने के लिए। हाँ। और हम इनको ये देंगे सस्ते कीमत में 600 रुपए में। 600 आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। ये नहीं देते हैं सब लोग तो चलिए मैं भी खाता हूँ अंडा पेटिस। हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी दोस्तों शानदार जबरदस्त हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं दोस्तों, तो क्या ही करें, काम में बिजी रह जाता हूँ। तो आज के आप सबों को ऐसी जगह में लेके जाने वाला हूँ जहाँ आप सबों को दुबई जैसा फील आने वाला है। तो जरूर वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब एंड लाइक कॉमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए गाइस सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बीच में छोड़ के जाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को तभी मज़ा आएगा। तो चलिए सीधा मिलते हैं बस स्टैंड में। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मड़गांव बस स्टैंड और देख सकते हैं सब लोग यहां पे लाइन लगे हुए हैं, तो मैं भी लाइन लगा हुआ हूं। और यहां पे पंचिम का टिकट मिलती है इलेक्ट्रिक बस एसी वाली, तो मैं एसी में ट्रेवल करने वाला हूँ और शानदार एसी का मज़ा लेते हुए जाने वाला हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं टिकट निकाल लिया हूँ और वैसे 50 रुपये लिया, तो ये गाड़ी है हमारी। तो चलिए चढ़ते हैं ये गाड़ी में और सीट पकड़ते हैं। फाइनली गाइस मैं सीट में बैठ गया हूँ और ये देखिए टिकट भी ले लिया हूँ। सो गाइस हमारा पार्टनर लोग निकल गए हैं वैसे और पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। तो वैसे गाड़ी में तो मस्त चल रहा है एसी और वैसे सर्दी भी पकड़ी हुई है, पता नहीं और क्यों से ना पकड़े। तो अभी धूप धूप आया हूँ वैसे और बैठ गया हूँ इसे, तो अभी देखते हैं। वो लोग तो पहुँचने को आया लगता है, लेकिन मैं पीछे पीछे जाके वो लोगों को पहुँचा दूँगा। वो लोग शॉपिंग करते रहेगा मापसा में। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रही आप सब। सो फाइनली दोस्तों हमारा बस छूट गए है और मैं इलेक्ट्रिक बस में सफ़र कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंजॉयफुल है, काफ़ी शानदार व्यू मिल रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा खिड़की सामने बैठा हुआ हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ हैं ट्रेवल कीजिए। गैस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं, ये बस रही यहां पे, यहीं पे आया मैं। और अभी फ़ोन लगाते हैं, वो लोग वैसे निकल गया होगा। और चलिए अभी पहुंच गया हूं, मस्त सो के आया और ज़बरदस्त मस्त एसी था और डायरेक्ट वैसे कहीं पे अभी रोका रोकी नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए फटाफट पहुंच गए। तो थोड़ा सा पानी ले लेंगे यहाँ पर, पानी लेने के बाद में निकलेंगे सीधा मापसा के लिए। तो गैस मैं फाइनली बस तो वैसे बैठ गया हूँ और अभी जल्दी पहुँच जाऊँगा मापसा। तो चलिए मापसा का बस तो वैसे पकड़ लिया हूँ और बाकी दोस्त लोग तो वैसे पहुँच गए हैं और वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। गैस मेरा मन कर रहा है मैं दुबई पहुँच गया हूँ और देख सकते हैं शानदार पंचिम ब्रिज, ये अभी जस्ट फिलहाल में नया नया ही रेडी किए हैं बना के और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको, यहाँ पे गाड़ी अभी तो आना जाना कर रही है। और देख सकते हैं कितना भयानक, ऐसा लग रहा है कि दुबई का कुछ सीन है ऐसा दिख रहा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा शहर। और गाइस देख सकते हैं शानदार सा व्यू, ये देखिए यहाँ पर कितना मस्त लग रहा है। और
आप लोग को वैसे यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है? मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं पंजिम पुल के जस्ट ऊपर में हूँ और ऊपर से कुछ नज़ारा कैसा दिख रहा है मेरा गोफरों में देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रेवल करने में भी। वैसे माता के लिए गाड़ी छूट गई है और देख सकते हैं पंछी बीच, ये पंछी बीच और यहाँ यहीं से निकल रहे हैं। काफ़ी धूप है वैसे अभी इस टाइम पे गोवा में और बहुत ही ज़्यादा धूप है। मैं पहुंच चुका हूं मापसा बस स्टैंड और ये देखिए यही है मापसा बस स्टैंड। तो अभी मैं जा रहा हूं मार्केट की तरफ और तो फ्रेंड्स लोग को फ़ोन कर देता हूं, पता नहीं वो लोग किधर हैं, बोल रहे थे कि ठंडा पी रहे हैं बोल के। तो चलिए चलते हैं अभी मार्केट के अंदर में ही, वो लोग से मिलेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी दिन के बाद मैं आ रहा हूँ मापसा मार्केट। तो चलिए घूमते हैं और कुछ कुछ कपड़ा वगैरह भी ले लेंगे, वैसे सस्ता मिलता है यहाँ पे कपड़ा वगैरह भी। सो गाइस ये रही मापसा बस स्टैंड और यहीं पे ये देख सकते हैं। तो चलिए फ़ोन लगा लेते हैं वो लोग को। काफ़ी ज़्यादा धूप है गैस। हेलो कहाँ ना हिस, हाँ अच्छा ठीक। तो चलिए गैस ये रहा मार्केट का एंट्री, यहीं से मैं एंट्री करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी वगैरह मिल रहे हैं और इधर चश्मा। मार्केट में एंट्री करते ही देख सकते हैं इधर कपड़ा का ढेर लगा हुआ है पूरे। इधर आप लोग देखेंगे तो पूरा कपड़ा ही कपड़ा देखने के लिए मिलेगा आप सबों को। और मैं तो वैसे बाद में ले लूँगा कपड़ा, तो अभी चलता हूँ फ्रेंड्स लोग से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में कपड़ा ले लेंगे। सो गैस वैसे मैं आपसे मार्केट पहुँच चुका हूँ और ये देखिए दोस्त लोग भी दुकान में। अब हम लोग आए हैं जूता लेने के लिए और जूता देखते हैं। ये देखिए काफ़ी सारा जूता का यहाँ बहुत बड़ा शॉप है देख सकते हैं। और भैया दिखा रहे हैं हम लोग को जूता मस्त मस्त साटो। तो यहाँ से कहते हैं इसे चारों तरफ जूता। देखो भाई हमारा दुकान है, हमारा जूता है, ये आए हैं भाई साहब लेने के लिए। हाँ। और हम इनको ये देंगे सस्ते कीमत में 600 रुपये में। 600 रुपये में चलो देखते हैं हम लोग भी। हाँ थोड़ा दाम करते हैं यहाँ पे, वैसे कम दाम में मिल जाता है वैसे जूता सब। ये देख लीजिए क्या नाम है भैया? ये स्मार्ट शूज है। स्मार्ट शूज यहाँ पे आइएगा, लेडीज लोग का भी आप सबों को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा चप्पल है ये देखिए, और जेंट्स का भी चप्पल शूज है यहाँ पे ओनर जो भाई। हाँ और ये है यहाँ पे ओनर यहाँ रेट सब को देख रहा है, बिल्डिंग सब कर रहा है। सो गैस आप जब भी मापसा का मार्केट आते हैं तो आप लोग जिधर से केला सब बेचते हैं ना वो साइड से राइट साइड से बस स्टैंड से जस्ट राइट साइड से एंट्री कीजिएगा और वहां से सीधा ये गली में आ जाइएगा और यहां से आप सबों को ये सूस का दुकान देखने के लिए मिलेगा। तो चलो भैया चलो भाई मिलते हैं भाई, थैंक यू। सो गैस अभी हम लोग शूज वगैरह लेके अभी आ रहे हैं पेंट लेने के लिए, हम लोग के लिए मेरे लिए पेंट लेने के लिए यहाँ पे। और चलिए और सारे दोस्त लोग किधर किधर गुम हो गए और यहाँ से ले लेंगे कपड़ा। देख सकते हैं यहाँ वाला निकल।
सो गैस मैं यहाँ से कपड़ा ले रहा हूँ, वैसे बहुत ही सस्ता कीमत में मिलती है, वैसे ड्यूटी में पहनने के लिए लेके जाऊँगा तो इसीलिए मैं छांट रहा हूँ, और बलिराम भी छांट रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारा कपड़ा। सो गैस यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा सब ले रहे हैं हम लोग, और ये देखिए की वाला के कौन के दो कौन में खाली क्या रूप सब सेम है, तुमको चाहिए वाले खाली डिजाइन डिफरेंट है, कपड़ा पूरा एक ही है, कुछ ठीक है। तुम्हें हम लोग दोस्तों सारा कपड़ा ले लिए हैं, अब चलते हैं घर के लिए। देखिए सारा कपड़ा सब हो गया है, अब दोस्तों को फोन लगाते हैं, सब लोग इधर उधर घूमने में व्यस्त था तो सब लोग एक साथ में चलेंगे, वैसे आने को तो मैं अकेले आ गया था और ये लोग पहले ही आ गया था, तो सबको साथ में लेके चलेंगे हम लोग, तो चलते हैं अभी फ़ोन लगाते हैं वो लोग को। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड, और अभी पंची का गाड़ी किधर लगती है देखेंगे, और उधर से सीधा निकलेंगे पंची के लिए हम लोग। देखिए अब किधर जाएगी देखते हैं दोस्तों, कहाँ ना अभी जाना नहीं है रे, आराम से जाइए। अभी दोस्त लोग किधर किधर है फोन करेगा तब बुला बुला सबको बुला इधर बुलाता है एक मिनट दोस्तों अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं और अभी जा रहे हैं रिटर्न हम लोग। देखिए केला लेके जा रहे हैं, आके केला लेके जाते हैं, केला लेके जा रहे हैं, तो चले रास्ते में खाने के लिए मिल जाएगा, वैसे तो खाते खाते वही चलेगा। हम लोग ऐसे अभी पंजी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे दोस्त लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मालूम नहीं, चश्मा वगैरह छाँट रहे ये लोग। कौन वाला खेलेगा था ना, मस्ती का कश्ती हिंदी भाषा, कौन वाला खेलेगा था, कितना का है, कितना का है। अभी हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, देते हैं सब लोग नाश्ता सब कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ अंडा पेटिस, भैया अंडा पेटिस दे, 20 दे देना, अंडा पेटिस दे, चेंज खत्म हो गया है ना, नहीं अंडा पेटिस ना, नहीं एक जगह वड़ा पाव दो, गरम तो चलिए मैं भी खाता हूँ अंडा पेटिस। गाइस हमारी बस छूट गई है पंजीम से, और अभी हम लोग मरगांव के लिए रवाना हो गए हैं, सारे यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, मस्त एसी वाला बस, इलेक्ट्रिक बस है, वैसे इलेक्ट्रिक बस है और लेकिन काफ़ी अच्छा है ये धूप के दिन में तो, और मेरे को तो इसे सर्दी भी पकड़ा है और थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी लग रहा है, फिर भी एसी चल रहा है, पता नहीं सूर्य तक और भी हालत ख़राब हो गया क्या होगा मेरे को पता नहीं, बट जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये बम्बोली का फुटबॉल ग्राउंड है, बम्बोली हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ये देख सकते हैं फुटबॉल ग्राउंड है, तो यहीं पे ISL फुटबॉल टूर्नामेंट जब लॉकडाउन हो गया था ना उस टाइम यहीं पे मैच खेला जाता था, अभी भी खेलते हैं वैसे।
सो गाइस अभी सारे दोस्त लोग चले गए हैं और मैं अभी पैदल पैदल ही वापस लौट रहा हूँ। अभी बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है शाम के टाइम पे, तो अभी मैं चलता हूँ रूम पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए मैं पैदल पैदल ही जा रहा हूँ जस्ट स्टेडियम के सामने ही। तो चलिए चलते हैं अभी। सो चलिए दोस्तों ये वाला वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी शाम हो, चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।